Hi, this is Rekha Mishra presenting before you NCERT Class 12th Geography, Book 2, Lesson Number 11. Name of the lesson is International Trade ya Antarashtri Vyapar. So, first of all, meaning of international trade. So, exchange of goods and services between two or more countries is called international trade. It includes import and export of goods and services. अर्थात दो देशों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान या खरीद बिक्री अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इसमें आयात और निर्यात दो तत्व शामिल होते हैं। So, international trade of a country is known as its economic barometer. It means having higher share in international trade indicate higher level of economic development and vice versa. तो किसी भी देश के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्तर होता है, ये उसके विकास का या आर्थिक विकास का मापदंड माना जाता है। मतलब इसका क्या हुआ कि यदि इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा शेयर ज़्यादा है, स्पेशली एक्सपोर्ट का शेयर ज़्यादा है, तो हमारा आर्थिक विकास ज़्यादा माना जाता है, और यदि कम है तो जस्ट इसका उल्टा कम माना जाएगा। इंडिया इज डूइंग ट्रेड विथ नेबरिंग कंट्रीज सिंस एंशियंट टाइम। हम प्राचीन समय से, यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता काल से भी अपने आसपास के देशों के साथ व्यापार करते रहे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स प्रूव दैट इंडिया हैज ट्रेड रिलेशन विद श्रीलंका, अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो पुराने समय में भी आपने हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, उस समय भी हमारे यहाँ से बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। इसके बाद यदि हम आधुनिक काल में आ जाते हैं तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से हमको ये पता चलता है कि हम श्रीलंका, अफगानिस्तान, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करते रहे। नाउ टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। There are two types of international trade. First is bilateral trade, जिसको द्विपक्षीय कहते हैं। और second is multilateral trade, या जिसको बहुपक्षीय कहते हैं। तो बाइलेटरल ट्रेड मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो उसे द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं, और मल्टीलेटरल मींस इंटरनेशनल ट्रेड अमंग मेनी कंट्रीज टुगेदर। जब हम बहुत से देशों के साथ एक साथ व्यापार करते हैं तो उसे हम मल्टीलेटरल या बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज सेल्फ सफिशियंट, they depend on each other for various goods and services. Therefore, international trade play an important role in meeting demand with supply. Today, international trade is highly structured, systematic and regulated by foreign policy and WTO. So, अब हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कोई भी देश वस्तुओं और सेवाओं में आत्मनिर्भर नहीं होती है। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ ज़्यादा है जिनको बेचने की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ें हमारे यहाँ कम है जिनको खरीदने की ज़रूरत है। तो इस तरह से विश्व के विभिन्न देशों की मांग और पूर्ति को पूर्ण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आवश्यक होता है। तो आज के आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरी तरह से
मैकेनाइज्ड हो गया है, सिस्टमेटिक रूप से होता है, और किसी देश की विदेश नीति और विश्व व्यापार संगठन या WTO की पॉलिसीज के तहत किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताएं। सो इंटरनेशनल ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल एज नो कंट्री इज सेल्फ सफिशियंट। तो ये चूंकि कोई भी देश पूर्ण रूप से अपने आप में सक्षम नहीं है हर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों के लिए फायदेमंद होता है, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी, जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स डिक्लाइन वेयर शेयर ऑफ पेट्रोलियम एंड क्रूड प्रोडक्ट्स एंड देयर कमोडिटीज हैव इंक्रीज। तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि जो शुरू शुरू में जब हम स्वतंत्र हुए थे तो बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाता, धीरे धीरे ये कम हो गया और अब उसकी जगह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और उससे रिलेटेड जो कमोडिटीज़ है उनका आयात बढ़ गया। इंजीनियरिंग गुड्स हैव शोन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द एक्सपोर्ट। इसके साथ साथ क्या हुआ कि जैसे जैसे हमने विकास किया तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड सामानों का निर्यात बढ़ता चला गया। देन जेम्स एंड ज्वेलरी कंट्रीब्यूट अ लार्ज शेयर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो जो रत्न है या जो आभूषण है ये हमारे विश्व व्यापार में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। देन इंडिया हैज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट इज मोर देन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब हम आयात ज़्यादा करते हैं निर्यात कम करते हैं। इंडिया इज विटनेसिंग चेंज इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपोजिशन। अब धीरे धीरे हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो कंपोजिशन है, जो संगठन है इसमें हम चेंज देख रहे हैं। इन 1950-51 इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड वॉज वर्थ रुपीज 1214 करोड़ which rose to ₹44,29,769 crores in 2016-17. Now, the reasons for the sharp rise in overseas trade are the momentum picked up by the manufacturing sector, the liberal policies of the government and the diversification of market. So, 1950 से लेकर 2016-17 तक में हमारा जो विश्व व्यापार है वो बहुत बड़ा, तो उसके जो विदेशी व्यापार बढ़ा उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का उत्पादन तेजी से बढ़ा। फिर सरकार की पॉलिसीज लिबरल थी, हमने ग्लोबलाइजेशन अपनाया, लिबरलाइजेशन अपनाया, इसके कारण बढ़ा। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, सरकार ने बहुत सारे वस्तुओं के निर्यात पर छूट दे दी। There has been an increase in the total volume of import and export. The value of import continued to be higher than that of export. हमारे ट्रेड वॉल्यूम में या आयात और निर्यात के आयाम में, उसकी क्वांटिटी में, उसके वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, बट अभी भी हमारा जो आयात है वो निर्यात से बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल है। नाउ इम्पोर्ट, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जैसा कि आपको बताया दो पक्ष होते हैं या दो एस्पेक्ट्स उसमें शामिल होते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो इम्पोर्ट इट मींस डिफरेंट आइटम्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज टू इंडिया टू मीट डोमेस्टिक नीड एंड कंजम्पशन। इट ऑल्सो एनकरेजेस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। तो इम्पोर्ट का मतलब क्या हुआ कि हम अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और उपभोग के लिए जब विदेशों से सामान मंगाते हैं तो उसे इम्पोर्ट कहते हैं। इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू आइटम इज़ अ गुड साइन वाइल डोमेस्टिक कंजम्पशन इज नेगेटिव साइन फॉर इकोनॉमी। तो इम्पोर्ट की खासियत क्या है कि
कि यदि हम वो आयात वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए कर रहे हैं तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है, लेकिन यदि हम उसको घरेलू कंजम्पशन के लिए या दैनिक उपभोग के लिए आयात कर रहे हैं तो ये हमारे आर्थिक विकास के लिए बहुत अच्छा सिम्टम नहीं होता है। तो चार्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा धीरे धीरे इम्पोर्ट का जो कंपोजिशन था वो चेंज होते गया और कौन कौन सी कमोडिटीज़ हमारे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में जुड़ती या हटती चली गई। ठीक, तो हम मेजर जो हमारा इम्पोर्ट है दैट इज़ फ्रॉम यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एशिया एंड एशियन कंट्रीज। तो इस तरह से इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का कंपोजिशन कैसा है। नाउ चेंज इन इम्पोर्ट कंपोजिशन, हमारे आयात के संगठन में या संगठन में कंपोजिशन में कैसा बदलाव आया। ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s द मेजर आइटम ऑफ इम्पोर्ट वाज फूड ग्रेन्स, कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो चूंकि उस समय हम नए नए स्वतंत्र हुए थे, हमारा आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए जो मुख्य आयात की वस्तुएं थी उनमें खाद्य पदार्थ थे या पूंजीगत सामान थे, विभिन्न प्रकार की मशीनें और उपकरण थे। आफ्टर 1970s फूड ग्रेन इम्पोर्ट वॉज डिसकंटिन्यूड ड्यू टू सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो जब हरित क्रांति हुई 1970 के दशक में, तो उस हरित क्रांति के कारण हमने बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों का उत्पादन शुरू किया, परिणाम स्वरूप खाद्य पदार्थों का आयात कम हो गया। फूड ग्रेन इम्पोर्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय फर्टिलाइजर एंड प्रोडक्शन मशीन एंड इक्विपमेंट, स्पेशल स्टील, एडेबल ऑयल एंड केमिकल्स। तो जब फूड ग्रेन्स का हमने इम्पोर्ट कम किया तो उसके बदले में बढ़ोतरी किसमें हो गई, फर्टिलाइजर में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, मशीनरीज में, इक्विपमेंट्स में, पर्टिकुलर टाइप एक स्टील में, खाद्य तेलों में और रसायनों में, इतनी चीज़ों में हमने इम्पोर्ट हमारा बढ़ गया। देन अदर मेजर आइटम्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंक्लूड पर्ल्स एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड एंड सिल्वर, मेटलिफेरस एंड मेटल स्कार्फ, देन नॉन मेटल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ये इतनी चीज़ों का इम्पोर्ट हमारा बढ़ गया। इंक्रीज हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन द फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट, फ्रेश फ्रूट, मैराइन प्रोडक्ट्स एंड शुगर, इनमें हमारा इम्पोर्ट का इंक्रीज देखा गया। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग पैटर्न ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। इंडिया फेस्ड सीरियस फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। द मेजर आइटम ऑफ इम्पोर्ट एट दैट टाइम वॉज फूड ग्रेन, कैपिटल गुड्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। After 1970s, food grain import was discontinued due to success of green revolution. Food grain import was replaced by fertilizers and product. Similarly, import of capital goods maintained a steady increase due to rising demand in the export-oriented industrial and domestic sector. Now, the next composition is export ya niryat. तो कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट मीन्स डिफरेंट आइटम्स दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्रीज फॉर गेटिंग फॉरेन एक्सचेंज। मोर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड इज गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, दूसरे देशों की मांग को पूरा करने के लिए अपने यहाँ से वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करना, इससे हमें बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। और जिस देश में, जिस अर्थव्यवस्था में जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा वो अर्थव्यवस्था के लिए उतना बढ़िया होगा, उतना फायदेमंद होगा।
Now, India has witnessed a rapid and tremendous change in its economy. Earlier, raw material, mineral ore were main items of export, which have been replaced by manufactured goods. तो हमने बड़ी तेजी से आर्थिक प्रगति की परिणाम क्या हुआ कि पहले स्वतंत्रता के बाद हम रॉ मटेरियल्स का या कच्चे माल का निर्यात करते थे जिनकी मार्केट वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती थी. अब हमने बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चर गुड्स या तैयार माल का निर्यात शुरू किया जिससे कि विदेशी मुद्रा हमें ज़्यादा मिल रही है. नाउ चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट. Steep rise in the import of petroleum products. Amongst the agricultural products, there is a decline in the export of traditional items such as coffee, cashew, etc. Engineering goods, gems and jewelry contributes a large share of India's foreign trade. तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं हमारा किस तरह का कंपोजिशन है विभिन्न सालों में और किस तरह से हमारा एक्सपोर्ट का ग्राफ चेंज हो रहा है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, व्यापार की दिशा. इंडिया एम्स टू डबल इट्स शेयर इन द इंटरनेशनल ट्रेड विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर. तो हमारा उद्देश्य क्या है कि अगले 5 सालों में हम विश्व व्यापार में हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, उसे हम दुगना कर लें. मोस्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इज कैरेड थ्रू सी एंड एयर रूट्स. मैक्सिमम जो हमारा व्यापार है ये समुद्रों के द्वारा और वायु मार्गों के द्वारा होता है. इंडिया हैज ट्रेड रिलेशन विद प्रैक्टिकली ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड. हाउएवर वेस्टर्न यूरोप, एंग्लो अमेरिका, ओपेक आर द मेजर ट्रेडिंग पार्टनर. वैसे तो हम विश्व के सभी देशों के साथ व्यापार करते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा जो व्यापार है ये वेस्टर्न यूरोप के साथ, एंग्लो अमेरिका के साथ, ओपेक देशों के साथ होता है. आवर इम्पोर्टेंट फीचर इज दैट इंडियाज ट्रेड इज ऑन राइज विद डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज एंड डिक्लाइनिंग विद डेवलप्ड कंट्रीज. दूसरा हमारा मेन फीचर क्या है कि जो विकासशील देश है इनके साथ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और विकसित देशों के साथ हमारा घट रहा है. स्टिल द लार्जेस्ट सिंगल ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इज यूएस. इसके बावजूद अभी भी हमारा सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूएसए है, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 21% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट and 6% of total import. Although largest trading region is Western Europe, accounting for 25% of total export and 27% of total import in 2001. तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा जो export और import का composition है ये change होते रहा है लेकिन अभी भी हमारा जो trade balance है या जो व्यापार का संतुलन है ये नेगेटिव है. मतलब हम आयात ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं जिससे कि बड़े पैमाने पर हमको नुकसान हो रहा है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सी पोर्ट्स गेटवे टू इंटरनेशनल ट्रेड या जो हमारे समुद्री बंदर हैं इनको गेटवे टू इंटरनेशनल ट्रेड या विदेशी व्यापार के द्वार कहा जाता है. एट प्रेजेंट इंडिया हैज 12 मेजर एंड 200 माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स. द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स द पॉलिसी एंड प्लेस अ रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द मेजर पोर्ट्स. मतलब जो हमारे मुख्य पत्तन है उनका जो निर्णय है, उनकी जो पॉलिसी मेकिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होती है. द माइनर पोर्ट्स एंड दोज हुज पॉलिसीज आर फंक्शंस आर रेगुलेटेड थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स. तो जो माइनर पोर्ट्स है, जो छोटे पत्तन है, उनकी जो पॉलिसीज होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है. द ब्रिटिशर्स यूज द पोर्ट एज द सक्शन पॉइंट.
तो जो जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे तो वो इन बंदरगाहों को सक्शन पॉइंट्स के रूप में यूज करते थे, मतलब जो आंतरिक क्षेत्रों के रिसोर्स है इनको ये बंदरगाह खींचते थे अपनी तरफ और विदेशों को भेजते थे। सो दीज सक्शन पोर्ट्स वेयर द सक द रिसोर्सेज फ्रॉम द हिंटरलैंड। द पोजिशन ऑफ द कंट्री स्ट्रेस्ड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री स्ट्रेस्ड अवे टू वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट दैट इज कराची पोर्ट इन वेस्टर्न पाकिस्तान एंड चित्तगोंग पोर्ट इन अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान एंड नाउ इन बांग्लादेश। तो जब देश का 1947 में विभाजन हुआ तो क्या हुआ कि हमारे जो दो सबसे प्रमुख बंदरगाह थे, एक कराची और दूसरा चित्तगोंग, ये कराची बंदरगाह पाकिस्तान को मिल गया और चित्तगोंग बंदरगाह जो था वो उस समय के पूर्वी पाकिस्तान या आज के बांग्लादेश को मिल गया। टू कंपनसेट द लॉस ऑफ कराची इन द वेस्ट एंड सॉरी टू कंपनसेट द लॉस कराची इन द वेस्ट, मतलब जो कराची पोर्ट का जो लॉस हुआ उसको कंपनसेट करने के लिए पश्चिम में कांडला बंदरगाह बनाया गया और चित्तगोंग पोर्ट को रिप्लेस करने के लिए, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोलकाता में डायमंड हार्बर पोर्ट बनाया गया। द टर्म पोर्ट हैज बीन डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड पोर्टा, दिस मीन्स गेटवे। सो पोर्ट्स आर कॉल्ड गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इन अदर वर्ड्स अ पोर्ट इज अ प्लेस ऑन द कोस्ट विद डॉक्स, वेयर हैव्स एंड ब्रीदिंग फैसिलिटीज। दे फंक्शन एज अ फोकल पॉइंट फॉर फॉरेन ट्रेड। दे ऑल्सो एक्ट एज कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बिकॉज दे कलेक्ट मटीरियल फ्रॉम हिंटरलैंड फॉर एक्सपोर्ट एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट इम्पोर्टेड गुड्स टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इनको एक तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार कहा जाता है, दूसरा इनको क्या कहा जाता है, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, मतलब ये वस्तुओं और सेवाओं को इकट्ठा भी करते हैं और उनको वितरित करते हैं। तो वितरित कब करते हैं, जब इनके पास एक्सपोर्ट के लिए सामान आता है तो ये विदेशी क्षेत्रों को उसका निर्यात करके उसको विस्तृत करते हैं और विदेशों से जो आयात होता है उसको आंतरिक क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द टोटल कैपेसिटी ऑफ इंडिया पोर्ट इंक्रीज फ्रॉम 20 मिलियन टन ऑफ कार्गो इन 1951 टू मोर देन 500 मिलियन टन ऑफ कार्गो एट प्रेजेंट। तो अब हमारी जो बंदरगाहों की क्षमता थी ये 20 मिलियन से बढ़कर लगभग 500 मिलियन से भी ज़्यादा हो गई है। इंडियाज मेजर पोर्ट्स कैन हैंडल अबाउट 15,000 वेसल्स पर ईयर। नाउ द मेजर सी पोर्ट्स ऑफ द इंडिया, सो इन वेस्टर्न कोस्ट द मेजर सी पोर्ट्स आर कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू और इट इज ऑल्सो कॉल्ड नावा शेवा, मैंगलोर, मार्मागाव एंड कोची। दीज आर द पोर्ट्स ऑफ वेस्ट ऑन वेस्टर्न कोस्ट, अरेबियन सी कोस्ट पे ये बंदरगाह पाए जाते हैं। इसके बाद पूर्वी तट पर या बे ऑफ बंगाल के तट पर कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरन, ये हमारे प्रमुख पत्तन है जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। नाउ द मेजर पोर्ट्स ऑन कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट और अरेबियन सी कोस्ट, द फर्स्ट इज कांडला पोर्ट। इट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी के पास ये स्थित है। द ऑफशोर टर्मिनल ऑफ वादिनार हैज बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ कांडला पोर्ट। दूसरा पोर्ट है मुंबई पोर्ट, इट इज अ नेचुरल हार्बर एंड द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री। द थर्ड इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नावा शेवा एंड इट वॉज डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट पोर्ट टू रिलीव द प्रेशर एट द मुंबई पोर्ट। इट इज द लॉन्गेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। ये जो नावा शेवा या जवाहरलाल नेहरू पत्तन था
इसे मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया और वर्तमान में ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। नाउ द नेक्स्ट पोर्ट इज न्यू मैंगलोर। दिस पोर्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। देन नेक्स्ट इज मार्मागोवा पोर्ट। इट इज सिचुएटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द जुआरी एश्वरी। इट इज अ नेचुरल हार्बर इन गोवा। देन द नेक्स्ट इज कोची पोर्ट। दिस पोर्ट इज सिचुएटेड एट द हेड ऑफ वेम्बनाथ कायल एंड पॉपुलरली नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तो ये जो कोची पोर्ट है ये वेम्बनाथ के मुहाने पर स्थित है और इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। नाउ द पोर्ट्स ऑन ईस्ट कोस्ट। इसमें सबसे पहला है कोलकाता पोर्ट जो हुगली नदी पर बना है, अर्थात ये कोलकाता पोर्ट किसी समुद्र के किनारे नहीं है बल्कि हुगली नदी के किनारे। कोलकाता पोर्ट इज ऑल्सो कन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ सिल्ट एक्यूमुलेशन इन द हुगली रिवर। अब क्या होता है, चूंकि ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है तो नदी अपने मुहाने पर बहुत सारा गाद लेकर आती है, बहुत सारा कचरा लेकर आती है, तो इसके कारण इस बंदरगाह को गाद की समस्या का सामना करना पड़ता है। देन द नेक्स्ट पोर्ट इज हल्दिया पोर्ट। इट इज लोकेटेड 105 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम फ्रॉम कोलकाता। नेक्स्ट इज पारादीप। इट इज अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम कटक। देन नेक्स्ट इज विशाखापट्टनम पोर्ट। इट इज अ लैंड लॉक्ड पोर्ट, जमीन से घिरा हुआ पोर्ट है। नेक्स्ट इज एन्नोर, एन्नोली पोर्ट डेवलप इन तमिलनाडु। नेक्स्ट चेन्नई। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। द पश्चिम पूर्वी तट का ये सबसे पुराना बंदरगाह है जो इट हैज एन आर्टिफिशियल हार्बर बिल्ट इन 1859। इसका जो पोताश्रय है ये कृत्रिम है जो 1859 में बनाया गया था। एंड द नेक्स्ट इज तूतीकोरन पोर्ट। इट वॉज ऑल्सो डेवलप्ड टू रिलीव द प्रेशर ऑफ चेन्नई पोर्ट। तो ये हमारे प्रमुख बंदरगाह, देखिए मुंबई बंदरगाह है, ये मुंबई है, ये कोलकाता है, ये मुंबई है, ये कोलकाता है, ये मुंबई, ये चेन्नई, ये विशाखापट्टनम, ये पारादीप, यहाँ पे कोची, बाकी आप सारे पोर्ट्स देख सकते हैं। फिर ये माइनर पोर्ट्स का एक पाई चार्ट है, किस स्टेट में कितना परसेंट पोर्ट्स माइनर पोर्ट्स का शेयर है। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज एयरपोर्ट्स। तो हमारा बहुत सा व्यापार वायु मार्ग के द्वारा भी होता है। एयर ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंटरनेशनल ट्रेड। देयर वेयर 25 मेजर एयरपोर्ट्स फंक्शनिंग इन द कंट्री। वर्तमान में लगभग 25 एयरपोर्ट हमारे अभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स के रूप में काम कर रहे हैं। इनमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कालीकट, नागपुर, कोयम्बटूर, कोचीन, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर और कन्नू। ये जो प्रमुख ये बंदरगाह हमारे सॉरी ये हमारे एयरपोर्ट्स या हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी उपयुक्त होते हैं। नाउ नेम्स ऑफ द मेजर एयरपोर्ट्स और सम एयरपोर्ट्स विच हैव बीन गिवन पार्टिकुलर नेम। तो जैसे अमृतसर बंदरगाह को राजा सांसी बंदरगाह कहा जाता है, अमृतसर एयरपोर्ट को राजा सांसी एयरपोर्ट कहते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, मुंबई एयरपोर्ट को छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहते हैं, चेन्नई एयरपोर्ट को मीनाम्बिकम एयरपोर्ट कहते हैं
और कोलकाता एयरपोर्ट को नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहते हैं। तो ये हमारे एयरपोर्ट्स का मैप है, ये दिल्ली एयरपोर्ट है, ये राजा सांसी एयरपोर्ट है, ये छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, ये मीनाम्बकम, ये सुभाष चंद्र बोस और बाकी पोर्ट्स आप इसमें देख सकते हैं। एक बार पुनः उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।